हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कैनुला के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैनुला क्या है, मतलब कैनुला का यूज़ अपन कहाँ कहाँ करते हैं, फ्लो रेट क्या क्या है, कैनुला को कलर कोडिंग क्या क्या है, साइज़ क्या क्या है, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैनुला के जो साइज़ होते हैं वो 14 गेज से लेकर के 26 गेज तक के होते हैं, 14 से लेकर के 26 गेज तक। तो इसकी कलर कोडिंग होगी वो 14 गेज वाला होगा ऑरेंज कलर, 16 गेज वाला होगा ग्रे कलर, 17 गेज वाला वाइट कलर, 18 गेज ग्रीन कलर, 20 गेज पिंक कलर, 22 ब्लू कलर, 24 येलो, 26 वायलेट। इसकी जो फ्लो रेट होगी वो होगी, सबसे पहले जो ऑरेंज कलर होता है उसको, उसकी जो फ्लो रेट होगी वो होगी 240 ml पर मिनट, और ये होगा 14 गेज का। और इसका यूज़ अपन करेंगे ट्रॉमा के पेशेंट में, एंड रैपिड लार्ज वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, लार्ज वॉल्यूम को रिप्लेस करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। सेकंड आता है 16 गेज का कैनुला, जो कि ग्रे कलर का होता है, जिसकी फ्लो रेट होगी 180 ml पर मिनट। ये अपन यूज़ करेंगे ट्रॉमा के पेशेंट में, मेजर सर्जरी का कोई पेशेंट हो, या इंट्रा पार्टम या पोस्ट पार्टम का पेशेंट हो, या GI ब्लीड्स होगा, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफर्स होगा, हाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूड्स होगा। थर्ड आएगा 17 गेज का कैनुला, जो कि वाइट कलर का होगा, 125 ml पर मिनट इसकी फ्लो रेट होगी, न्यूली एडेड है, ठीक है। उसके बाद आता है 18 गेज का कैनुला, जो कि ग्रीन कलर का होता है, फ्लो रेट होगी 90 ml पर मिनट, ब्लड प्रोडक्ट्स को ट्रांसफ़र करने में, डिलीवरी ऑफ इरिटेंट मेडिकेशंस, या फिर मेजर सर्जरी में, या कंट्रास्ट स्टडी में इसका यूज़ करते हैं। फिर आता है 20 गेज का कैनुला, जो कि पिंक कलर का होता है, जिसकी फ्लो रेट होगी 60 ml पर मिनट। जनरल यूज़ होगा इसका IV मेंटेनेंस में, IV एंटीबायोटिक्स में, और IV एनाल्जेसिया में। उसके बाद आएगा 22 गेज का कैनुला, जो कि ब्लू कलर का होता है, जिसकी फ्लो रेट होगी 36 ml पर मिनट, स्मॉल और फ्रेजाइल वेन होगी, साइटोटॉक्सिक थेरेपी देंगे अपन इसके अंदर, साइटोटॉक्सिक थेरेपी में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है 24 गेज का कैनुला, 24 गेज का कैनुला आता है येलो कलर का, आता है, इसकी फ्लो रेट होगी 20 ml पर मिनट, और ये फॉर पीडियाट्रिक यूज़ के लिए होता है। और नेक्स्ट आता है 26 गेज का वॉयलेट कलर, जो 13 ml पर मिनट इसकी फ्लो रेट होगी, और ये भी क्या है, न्यूली एडेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 14 गेज का कैनुला, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, और इसकी फ्लो रेट हमने पढ़ी थी 240 ml पर मिनट। इसका यूज़ अपन करते हैं यूटिलाइज फॉर प्री एडल्ट एंड ग्रोन अप रियल मेडिकल प्रोसीजर एंड इंजरी मिक्सचर ऑफ एक्सटेंसिव सम ऑफ लिक्विड्स और कॉलॉइड्स। सेकेंड आएगा नर्सिंग कंसिड्रेशन में करेंगे, पेनफुल इंसर्शन रिक्वायर्ड लार्ज इन, ये होता है ऑरेंज कलर का कैनुला। जिसकी कैथेटर साइज़ भी बहुत बड़ी होती है और इसकी फ्लो रेट भी बहुत बड़ी होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है 16 गेज का कैनुला, जो ग्रे कलर का था, इसका यूज़ होगा एडोलेसेंट एंड एडल्ट में, मेजर सर्जरी या फिर ट्रॉमा में, या फिर इन्फ्यूज़न फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूड्स एंड कॉलॉइड को इन्फ्यूज़ करने में। कंसिड्रेशन क्या होगी, पेनफुल इंसर्शन होगा, रिक्वायर्ड लार्ज इंसर्शन। उसके बाद आएगा 18 गॉज का कैनुला, ग्रीन कलर का, इसका यूज़ होता है एडोलेसेंट एंड एडल्ट में, मेजर सर्जरी एंड ट्रॉमा में, इन्फ्यूज़न ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूड और कॉलॉइड्स। उसके बाद क्या करेगा, नर्स की कंसिड्रेशन होगा कॉमनली यूज्ड, इसको कॉमनली यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है 20 गेज का कैनुला, पिंक कलर का, जो कुछ ऐसा टाइप का होता है। सबसे पहले अपन इसका यूज़ करेंगे ओल्डर चिल्ड्रन में, एडोलेसेंट एंड एडल्ट में, आइडियल फॉर IV इन्फ्यूज़न और ब्लड इन्फ्यूज़न में, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में, एमरजेंसी मैनेजमेंट में। नर्स कंसिड्रेशन होगा ईजी टू इंसर्ट इंटू स्मॉल थिन फ्रेजाइल वेन और डिफ़िकल्ट टू इंसर्ट इंटू स्किन। नेक्स्ट आता है 22 गेज का कैनुला, जो कि ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का कैनुला कुछ इस टाइप का दिखाई देता है।
उसका यूज़ करेंगे अपन तो एक तो ओल्डर चिल्ड्रन में, एक एडोलेसेंट में, थर्ड आएगा एल्डर एडल्ट में, एल्डरली एडल्ट में, फिर आएगा आईवी इन्फ्यूज़न विद मॉडरेट फ्लो रेट्स मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन नर्स कंसिड्रेशन में आएगा, इंसर्शन टू थ्रू स्किन इज़ डिफ़िकल्ट। ये तो ब्लू कलर की कैनुला के बारे में बताया है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं येलो कलर का कैनुला जो कि 24 गॉज का होता है। इसका यूज़ करेंगे इन्फेंट एंड टॉडलर, ओल्डर चिल्ड्रन, मेजर सर्जरी एंड ट्रॉमा अमंग चिल्ड्रन कैन एडमिनिस्टर फ्लूड एंड मेडिकेशन। नर्स कंसिड्रेशन होगा, लेस पेनफुल इंसर्शन टू थ्रू स्किन इज़ डिफ़िकल्ट। उसके बाद आता है पर्पल कलर का कैनुला जो कुछ इस टाइप का होता है और इसका जो साइज़ होता है वो होता है 26 गॉज का। यूज़ करेंगे नियोनेट इन्फेंट एंड एल्डरली एडल्ट्स के अंदर, सूटेबल होता है फॉर इन्फ्यूज़न बट इन्फ्यूज़न रेट इज़ लो। इन्फ्यूज़न के लिए सूटेबल बट इन्फ्यूज़न रेट क्या होगी, लो होगी। नर्स कंसिड्रेशन, इंसर्शन टू थ्रू स्किन इज़ डिफ़िकल्ट एंड लेस पेनफुल, कम पेनफुल होता है। अब इसके बाद अपन आते हैं टेक्निक्स ऑफ आईवी असेस। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आईवी कैनुलेशन इज़ द सेकेंड मोस्ट इन्वेजिव प्रोसीजर फॉर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, ठीक है। टुडे 85 to 95% ऑफ ऑल हॉस्पिटलाइज पेशेंट रिसीव आईवी इन वन फॉर्म और अनदर फॉर्म। इंडिकेशंस क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीशिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग यूजिंग आईवी कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के अंदर क्या क्या आएगा कि कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करेंगे, साइट क्लोज टू इन्फेक्शन, वेन इज फ्रैक्चर्ड लिम्स, वेन्स ऑफ फ्रैक्चर्ड लिम्स, वेयर देयर इज एन आईवी फिस्टूला प्रेजेंट एडिमा और अफेक्टेड साइड ऑफ सीवीए, साइड ऑफ मासेक्टोमी, एक्स्ट्रा केयर टू बी टेकन ऑन पेशेंट विद ब्लीडिंग क्लॉटिंग डिसऑर्डर एंड ऑन वारफेरिन। वेन सेलेक्शन में क्या आएगा, कहाँ, बैक ऑफ हैंड एंड फोरआर्म, एंटीक्यूबाइटल फोसा, और व्हाट कहाँ पर करते हैं और व्हाट क्यों करते हैं, सॉरी व्हाट क्या करते हैं। तो सबसे पहले पाल्पेबल करेंगे, दूसरा स्ट्रेट करेंगे डिस्टल एंड स्ट्रेट, तीसरा अवॉइड बाइफरकेशन, ठीक है। एरिया टू बी अवॉइडेड, एरिया ऑफ जॉइंट फ्लेक्शन को अवॉइड करेंगे, हार्डनेड या स्क्लेरोज्ड वेन और मेजर वेन नियर आर्टरीज, वेन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, एरिया ऑफ सर्जरी स्मॉल वेन, प्रीवियसली कैनुलेटेड वेन्स, लोकेशन ऑफ वेन इन आर्म एंड फोर आर्म, वेन ऑफ हैंड, हैंड की जो वेन होगी वो होगी डिजिटल डॉर्सल वेन्स, डॉर्सल मेटाकार्पल वेन्स, डॉर्सल वीनस नेटवर्क, सेफेलिक वेन्स और बेसिलिक वेन्स। जो सबसे पहली जो दे रखी है वो है डिजिटल डॉर्सल वेन जो कि फिंगर पर है, दूसरा आएगा डॉर्सल मेटाकार्पल वेन सेकंड जो कि फिंगर से जस्ट थोड़ा सा नीचे, तीसरा आएगा डॉर्सल वीनस नेटवर्क थर्ड जो कि आएगा आपके रिस्ट के थोड़ा सा पास में, चौथा आएगा सेफेलिक वेन जो कि रिस्ट से थोड़ा सा नीचे और बेसिलिक वेन रिस्ट पर ही। इसके बाद अपन पढ़ते हैं ये वाला डायग्राम, इसके अंदर अपन फोर आर्म के अंदर जो वेन्स होती है वो पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली आएगी सेफेलिक वेन जो कि अपने शोल्डर के जस्ट पास में है, दूसरी आएगी बेसिलिक वेन, सेकेंड नंबर बेसिलिक वेन जो कि जॉइंट के पास में, ह्यूमरस और रेडियस अल्नार जो जॉइंट है उसके जस्ट पास में, और थर्ड आएगी मीडियन क्यूबाइटल जो कि जॉइंट पर ही है। कैनुला के टाइप्स अपन पढ़ चुके हैं। सजेस्टेड इक्विपमेंट फॉर PIVC इंसर्शन में सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीन प्रोसीड्रल ट्रॉली, दूसरा आएगा स्ट्राइल ड्रेसिंग पैक और IV स्टार्टर पैक, थर्ड आएगा टॉर्निक्वेट आइदर अ सिंगल यूज डिस्पोजेबल और सिंगल पेशेंट यूज, फोर्थ आएगा ग्लव्स, फिफ्थ आएगा अल्कोहल स्वैप, सिक्स्थ आएगा अप्रोप्रिएट स्टराइल एडहेसिव बटरफ्लाई स्ट्रिप्स, नेक्स्ट आएगा 10 ml सिरिंज और कमर्शली अवेलेबल प्री फिल्ड सिरिंज और फॉर फ्लश,
नेक्स्ट आएगा 2 ml हिपलॉक सिरिंज, हैपलॉक सिरिंज। इससे नेक्स्ट आएगा स्टराइल गॉज स्क्वायर्स, इसके बाद आएगा शार्प डिस्पोजल बिन। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आएगा इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लिनिकल इंसर्टिंग द PIVC टू इंश्योर आइटम हैव नॉट पास देयर एक्सपायरी डेट एंड दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द पैकेजिंग हैज़ बिन मेंटेन। प्रोसीजर में आएगा एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट, वियर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में आएगा ग्लव्स एंड एप्रन। नेक्स्ट आएगा सेलेक्ट द लोकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर। नेक्स्ट आएगा अप्लाई टॉर्निक्विट, मेक द सिलेक्टेड वेन प्रोमिनेंट एंड क्लीन द एरिया विद बेटाडीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लीन द एरिया विद अल्कोहल स्वैब यानी कि स्पिरिट, स्ट्रेच द स्किन एंड फिक्स द वेन, स्किन को स्ट्रेच करेंगे और वेन को फिक्स करेंगे। फिर उसके बाद इंसर्ट कैनुला एट 45 degree टू द वेन। नेक्स्ट आएगा वंस कैनुला इज इंसर्टेड चेक टू द पेटेंसी बाई यूजिंग एन IV फ्लश, पेटेंसी को चेक करने के लिए IV फ्लश करेंगे। नेक्स्ट आएगा फिक्स द कैनुला बाई यूजिंग टेगाडर्म या बटरफ्लाई स्टिकिंग। उसके नेक्स्ट आएगा डिस्पोज द बायोलॉजिकल एंड प्लास्टिक वेस्ट, न्यू मेथड्स में आएगा एक्यूवींस, इल्यूमिनेशन इज द न्यू इंफ्रारेड डिवाइस यूज फॉर वेन्यू पंक्चर इन द पेशेंट विद डिफिकल्ट वीनस असेस द दैट इंक्लूड एल्डरली डार्क स्किन एंड ओबेस इंडिविजुअल्स। कॉम्प्लिकेशंस आएंगे हेमेटोमा, हेमरेज, इन्फेक्शन, फ्लेबाइट्स एंड थ्रोम्बोफ्लेबाइट्स, पंक्चरिंग एन आर्टरी, पंक्चरिंग अ नर्व, इनफिल्ट्रेशन, एक्स्ट्रा वेशेशन। थैंक यू।